आप नीचे काम करते हैं, आप लोगों को नहीं पता यहाँ काम होता है? हमें तीसरा दिन है। तीसरा दिन है यहाँ पे, कौन आता है तो पर कौन मालिक है यहाँ का? ये तो पता नहीं सर, हमें ये तीसरा दिन। कितने दूर काम करते थे, जिधर काम करते थे? बटान बटान है। ये देखिए जी किस तरह पत्ती बन रही है, आप लोग देख रहे हैं, यही पत्ती आपके हमारे बच्चे पीते हैं और उसके बाद क्या वो होता है? फोन हो गया जी SHO को, किस तरह छाना जाता है ये देखिए, छन्ने रखे हुए, इस तरह लग रहा है कि जी घर का कोई काम बन रहा है, छत बन रही है। बेसिकली लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बनाया गया कि ये शो किया कि जी यहाँ पे छत का काम हो रहा है, घर का काम हो रहा है। इतनी इतनी इन्होंने बाउंड्रीज खड़ी की हुई है जबकि इसके इर्द गिर्द कोई घर नहीं है। इतनी जब बाउंड्रीज खड़ी हुई है तो किस तरह ये वो लोग ये कर रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने इसको खड़ा करके एक तरीके से इसको पूरा सेफ किया हुआ है ताकि लोगों को पता ना चले। ये देखिए जिसमें ये सारी वो पत्ती है, ये देखें, ये आप ये देख सकते हैं कितना गंदे मटीरियल की ये चीज़ें, ये चीज़ हम बता चुके हैं। एक मिनट कैमरा इधर ले आए, आप ये दिखा दें कि ये वो पत्ती है जो असल पत्ती है। असल पत्ती में वो पत्ती मिलाई जाती है और उसको सुखाया जाता है और यही पत्ती है, यही पत्ती इसमें भी मिलावट है, इसमें भी मिलावट है। आप देखिए हेडमोल साहब इस तरह के काम चल रहे हैं क्या, ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ नहीं है जो नीचे भी चल रहा है, ऊपर कभी इन्फॉर्मेशन नहीं आई हमारे हाथ? ये इन्होंने वैसे बड़ा ट्रिक से नहीं किया हुआ था कि पता ना चले। जब आपको उन्होंने इतना डाज दिया, हमें पुलिस को भी डाज दिया, हमें दो गेजों से रास्ता। अगर हमें डॉज नहीं दिया जाता क्योंकि थोड़ा सा हमें डॉजिंग हुई वरना हम इन लोगों को पकड़ते। ये देखिए जी यहीं पे उनके काम रखे हैं, ये लोग निकले इसी रास्ते से कि यहाँ से हमने एंट्री ली है और ये लोग यहाँ से एंट्री लेके निकल गए। हाँ जी ये देखिए जी जिस बंदे ने हमें ये बेवकूफ़ बनाया कि जब हम एंट्री ले रहे थे उसने बोला नहीं यहाँ फैमिली है हमारे यहाँ, ये बहुत है। पुलिस को भी इस काम में मसला होता है कि जी बीच में खवातीन आ जाती हैं। इधर आए जी आप, हमें इन्होंने पूरा मिसगाइड किया, हमें पूरा मिसगाइड किया। ये देखें आप, उसने हमें आने से पहले उस चौकीदार ने हमें गलत गाइड किया कि जी आप यहाँ से नहीं एंट्री लें, यहाँ से नहीं एंट्री लें। हमारी सिर्फ एंट्री की गलती हो गई वरना आज हम नहीं छोड़ने वाले थे। आपने देखा ये किस तरह, ये देखें जी ये किस तरह की पत्ती है जिसको यहाँ पर इस्तेमाल करके लोगों को पिलाया जा रहा है। पता नहीं कब से इस तरह की काम चल रहा है, लोग इस पर चल रहे हैं, वही पत्ती सूखती है, फिर वही पत्ती डब्बों में पैक होती है, वही पत्ती जो है वो पी जा रही है। ये हमारे मुल्क का हाल चल रहा है जी। अब इसको आगे चल के हम देखते हैं आगे की इन्वेस्टिगेशन होती है। हेडमोल साहब क्या लगता है क्या था इसके पीछे, कुछ समझ आया आपको? आपके साथ ही है, ये नीचे घर वालों की सरपरस्ती थी जिस बंदे, देखो नीचे फैमिली रह रही है और ऊपर ये काम हो रहा है तो फैमिली वालों का बात है ना, मुतलका थाने को इतला कर। उस बंदे को तो ले लिया है। अच्छा अभी इस जगह को सील कर देते हैं ताकि SHO साहब को कर दिया। चलें जी अभी हम चलते हैं, बाकी बात जो होगी वो थाने में होगी और ये हम आपको पूरी लोकेशन दिखा दी। मजीद थाने में चलते हैं और दिखाते हैं कि एक्चुअल क्या इसके पीछे कौन लोग थे। कोशिश करेंगे उस बंदे से बात करने की कि वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि इस तरह के लोग जो होते हैं बड़े पक्के होते हैं। जिस तरह उसने हमें मिसगाइड किया, जिस तरह उसने हमें गलत रास्ता दिखाया और वो भी फिर यहाँ से ये दिखाएं जी इस रास्ते से कूद के, इस रास्ते के जरिए कूद के वो बंदा ऊपर आया और फिर आके जो है यहाँ पर कार्रवाई हुई है। यहाँ पे जो कुछ कबाड़िए हैं और इन्हें क्या नहीं पता, ये आप ही किए जी, आप ही मिलते हैं जी। ये मालिक कौन है यहाँ का? वो क्वेटा में रहता है। क्वेटा में रहता है, आप लोगों को किसने जगह दी है? उसने दिया हमारे, उसने ही दिए। अच्छा ऊपर मालिक कौन है, इसका नाम क्या है? हनीफ गांव, हनीफ सिंधिया। छत तक उसकी है? नहीं नहीं सिंधी, सिंधी है। सिंधी कितने अरसे से आप किराए पर हो? हमें नहीं, आप कितने टाइम से किराए पर हो यहाँ पर? मैं अभी दो तीन महीने हो गए। दो तीन महीने से ये जो ऊपर काम हो रहा था ये कितने अरसे से हो रहा है बेटा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप नबीने नहीं हो, आप नबीने नहीं हो। दो तीन महीने हो गए जब से मैं एक पुलिस अफसर हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आप नबीने नहीं हो, ये उतना जो ऊपर जो काम हो रहा था कितने अरसे से हो रहा है? ये छह महीने से हो रहा है यार। छह महीने से हो रहा है, आपको पता था? नहीं पता नहीं है, मगर हम काम
अच्छा आप लोगों को पता था, आप लोगों ने कभी थाने को शिकायत नहीं करी, ये समझ तो आया था क्या काम हो रहा है, पत्ती बन रही थी ऊपर जाली, जब हम लोगों को इतनी दूर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं हम, हमारी ऊपर अगर असला मनशात फरोख्त होती रहे तो कौन कौन लोग हैं, कौन लोग हैं, नाम क्या है मालिक का? हनीफ गांडा। हनीफ गांडा वो इधर नहीं रहता है तो आपका किराया कौन वसूल करता है? किराया किराया दूसरा बंदा है उसका, मैनेजर है। क्या नाम है उसका, नंबर है उसका? नंबर ऐसे कैसे नहीं आपके पास? नहीं ऐसे कैसे, प्रॉपर्टी लेकर रखे हुए हैं और आपको उनके नंबरों का नहीं पता? ये जगह मुझे दे दो, दे दोगे? इंस्पेक्टर साहब आपको लगता नहीं जी सब मिले हुए हैं? मुझे जगह ये दे देंगे साहब, जरा ये इनका भी अनवाल है इधर की, हमारी पेट्रोलिंग है तब तो बताएं क्या किया जाए फिर, क्या किया जाए? ठीक है चीज़ें कब्जे में ले लें, कब्जे में चीज़ें लिए जाए। और ये आप देख सकते हैं जब्ते के तहत अगर इनको एक जुर्म की इतला खबर थी और इसकी पे भी जुर्म, हाँ जी एक जुर्म को छुपा रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिखा रहे? देखिए जब आपको जो एक्शन लेना है आप ले सकते हैं जी, नहीं आप तो तमाम तफसील बतला दोगे बेटा अभी? अब तो अभी तो थोड़ी देर हम थाने में जाके करेंगे इन्वेस्टिगेशन, वो सब हमें पता चल जाएगा, वो मसला नहीं है। बहरहाल आप देख सकते हैं ये कच्चा सा घर है और यहाँ पर ये काम चल रहा था काफ़ी टाइम से, जो है वो यहाँ पर ये काम चल रहा था, नीचे कबाड़ का काम है, फिर एक फैमिली भी इन्होंने रख दी जिस बंदे ने हमें मिसगाइड किया, हमने उसको स्पष्ट किया उसने, हाँ फिर फैमिली वाले ने मिसगाइड किया क्योंकि हम जिसकी वजह से ये मुलजमान है हमारे हाथ नहीं आए। मैं सबसे अफसोस ही हो रहा है कि मुलजमान हमारे हाथ नहीं आए, कि हमारे हाथ आते तो फिर हम इनको बताते क्योंकि इस तरह काम कर रहे हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए। अभी थाने चलते हैं और हाँ उसकी उसकी डिटेल को हम लेते हैं, चले चले जी थाने चलते हैं, इसको तो हमने ले लिया, इसको भी ले लें।